तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो हमारे चैप्टर है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके पार्ट टू करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो बने रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका ये क्लियर होगा। और मैंने आप सभी को इस चैप्टर की जो PDF थी, यानी कि इसकी जो नोट्स थी, वो मैंने टेलीग्राम पे आपको दे दिया, तो आप टेलीग्राम जा करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिए ताकि आप वहाँ से पढ़ लें और यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 कर दिया, वो पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2, हमने 15 क्वेश्चन अभी तक कर लिया, अब ये 15 के बाद के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है, एज ए सुपरवाइजर हाउ कैन यू एंश्योर दैट अनसेफ बिहेवियर बिकम्स लेस लाइकली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बाई इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन अनसेफ बिहेवियर। ठीक है, तो देखिए, ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की ये जो चैप्टर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। ठीक है, आप जितना अच्छा सोच पाएंगे आपकी क्वेश्चन उतना अच्छा बन पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है, वाट डज द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स एसेट वाइल एट द वर्क प्लेस, ठीक है, इंटेल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट डज द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स एसेट्स व्हाइल एट द वर्क प्लेस एंटेल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रिवेंटिंग थेफ्ट पिलफरेज एंड डैमेज ऑफ द एसेट्स एंड बीइंग विजिलेंट विद द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा जा रहा है, प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू इंप्रूव हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर दे इवन अराइज आर क्लासिफाइड एज। तो देखिए, जो प्रोग्राम होते हैं डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो हेल्थ प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जाए एम्प्लॉयज़ के लिए, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेलनेस प्रमोशन। ठीक है, तो जो वेलनेस प्रमोशन होती है वो ज़्यादा सही रहेगा। द प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू इंप्रूव हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर दे इवन अराइज आर क्लासिफाइड, यानी कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को अराइज नहीं किया, फिर भी प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया जा सकता है ताकि जो इंप्लॉय है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम सही हो जाए, ठीक है, इंप्रूव किया जाए। तो ये होगा वेलनेस प्रमोशन। तो वेलनेस प्रमोशन देने के कारण इनमें सुधार आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका टू प्रिवेंट द वर्कर व्यूज एंड कंसर्न ऑन द वर्क प्लेस OH&S प्रैक्टिस टू द एम्प्लॉयर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप वो जो PDF मैंने दिया है वो आप पढ़ लिए होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से बन पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, वो नोट्स मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% सफिशियंट है दोस्तों, बट इतना है कि आपके कुछ क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द बेस्ट सेफ्टी रूल। तो बेस्ट सेफ्टी रूल कौन है दिए गए ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन ए में कहा जा रहा है, इमीडिएटली सॉर्ट द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द वर्क टाइम, या फिर बाई कीपिंग द वर्क प्लेस TD एंड कीप पैसेज क्लियर, मार्क ऑल द हजार्ड एट द वर्क प्लेस विथ रेड वाइट टेप। तो और आपका ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, कीप द वर्क प्लेस TD एंड कीप पैसेज क्लियर। तो देखिए, ये सबसे अच्छा उपाय है आपकी वर्क प्लेस को सही से रखने का। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अटेंशन इफ़ वन साइट इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड आफ्टर एन इंसिडेंट। तो देखिए, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया हो सकते हैं फॉर अटेंशन इफ एन ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी कि आफ्टर एक्सीडेंट के लिए कौन सा सही रहेगा दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है दैट द डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एट द साइट आर रिट्राइव्ड। ठीक है, अगला है दैट दिस इन्वेस्टिगेशन बी कंडक्टेड बिफोर द गवर्नमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस इन द फॉर्म। अगला है आपका दैट द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट आर डिस्कस विद दैट साइट्स ओनर। तो देखिए, इसका सही आप पढ़ेंगे तो आपको सही ये आपको लगेगा सबसे सही। ठीक है, तो 21 का आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दैट द डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एट द साइट आर रिट्राइव्ड। तो देखिए, ये ज़्यादा सफिशियंट कर रहा है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको हम आंसर मानेंगे अपना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो व्हाट इज एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो देखिए, इसमें से आपका इसके डिफिनेशन भी आ गई, आपको डिफिनेशन आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट, देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए,
एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू कलेक्ट ऑल फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन एट द लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन सी, यानी कि टू कलेक्ट ऑल द फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन एट द लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 22 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉई इज कॉल्ड। तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी और एम्प्लॉई की जो प्रोटेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, दिए गए टर्म में से उसे क्या कहा जा सकता है दोस्तों, जिसकी आप सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। आपको देखिए हेल्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो देखिए प्रोटेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी एंड द एम्प्लॉई इज कॉल्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी और एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन। देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन को क्रॉस करके भी जो ऑप्शन बनते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। तो देखिए एडवर्स सिचुएशन ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा आपका ऑप्शन बी सिक्योरिटी और सेफ्टी। तो देखिए प्रोटेक्शन, देखिए प्रोटेक्शन मतलब सेफ्टी नहीं होगा, प्रोटेक्शन मतलब आपका क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। ठीक है, तो 23 का आपका सिक्योरिटी आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा समझ के आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसे समझने की अपनी कोशिश करें, ताकि उस जगह में आप हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आपको लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट मस्ट ए सेफ्टी इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कंटेन। तो देखिए सेफ्टी इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में क्या होता है, ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो देखिए इसमें होता है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने कितने इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन खोजा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है अप्रोच टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट एम्प्लॉइज टू इनहेंस हेल्थी लाइफ स्टाइल इज कॉल्ड। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अप्रोच टू encourage and facilitate employee to enhance health and lifestyle is called। तो देखिए इसका डेफिनेशन जो होता है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हेल्थ प्रमोशन होता है। तो हेल्थ प्रमोशन में ये बताया जाता है, अप्रोच किया जाता है और इनकरेज किया जाता है और फैसिलिटेट किया जाता है ताकि एम्प्लॉय को कि उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है हु शुड रिपोर्ट अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस एट ए वर्क। तो देखिए किसे रिपोर्ट करना चाहिए अनसेफ वर्किंग जो कि वर्क प्लेस में हो, प्रैक्टिस हो रहा हो, तो किसको रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो किसको रिपोर्ट करना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो होता है एम्प्लॉय हु नोटिस इट, यानी कि जिस एम्प्लॉय ने नोटिस किया कि उस वर्किंग साइट पे ये अनसेफ वर्किंग हो रही है, यानी कि अनसेफ काम हो रही है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो वहाँ पे नोटिस कर रहा है, कोई भी इंसान हो जो नोटिस कर रहा है वो इसे बताएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर जो ये सोचेंगे कि सुपरवाइज़र देख रहा है तो सुपरवाइज़र ही वो अनसेफ वर्क को बताए, तो ये गलत बात है दोस्तों। अगर जो आप उस स्थिति में हैं, आप देख रहे कि नहीं वहाँ में गलत काम चल रहा है, तो आप यहाँ में आसानी से बता सकते हैं किसी को जा करके, यानी कि अपने सीनियर को बता सकते हैं, आप देख रहे सर देखिए वहाँ में ये अनसेफ वर्क प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो ये आप सोचने की कोशिश करिए, जितना सोच पाएंगे आपके क्वेश्चन उतने ही अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कह रहा है आप देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोस्ट एक्सीडेंट। तो मोस्ट एक्सीडेंट की कॉज क्या होती है, यानी कि क्या कारण से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लिप स्ट्रिप एंड फॉल। तो देखिए स्लिप्स होते हैं और या फिर स्ट्रिप और ये जो फॉल होते हैं, ये होगी आपकी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 में देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल फायर आर बेस्ट टैकल्ड विथ ए। तो इलेक्ट्रिकल फायर जो होगी, ठीक है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ALP 2013 में आपको पूछा गया है। ठीक है, 2013 में पूछा गया, 15 में भी बहुत बार ये ट्रेड वाले एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि इस बार भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कहा जा रहा है कि अगर जो आप दोस्तों टेस्ट सीरीज भी करते होंगे, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज देने वाले प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपके टेस्ट बुक हो गई, वाईफाई स्टडी हो गई और काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो उसमें आप अगर जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर आप सही से कर पाएंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है उसे टैकल करने के लिए बेस्ट उपाय क्या होता है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखिए ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से पता करना है कि कौन सी करेक्ट आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है उसके लिए बेस्ट फायर जो टैकल करने के लिए होती है वो होती है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है दोस्तों, तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर इसकी करेक्ट आंसर होगी। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखिए अभी 28 वाला क्वेश्चन जो था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करता हो। ठीक है, नहीं करता हो। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नोट कहा जा रहा है क्या। काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट ऐसा गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऐसा है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 29 देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सारे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल फैक्टर एग्जाम्पल वर्क एंड रिस्क, तो देखिए ये तो बिल्कुल है। आगे पूछा इन्वायरमेंटल फैक्टर वर्क प्लेस नॉइज, तो देखिए ये भी दोस्तों देखा जाए तो ये भी सही है। अगला है सुपरस्टिशन फैक्टर एग्जांपल वॉकिंग अंडर लेडर ब्लैक कैट, तो देखिए ब्लैक कैट, देखिए दोस्तों यानी कि बहुत ही अजीब सी आंसर इसकी है, यही इसकी करेक्ट आंसर होगी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की सब कौन सी दिए गए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सा फैक्टर नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वॉकिंग अंडर लेडर्स, लेडर्स में वॉकिंग करना, ठीक है, और ब्लैक कैट यानी कि जो काली बिल्ली रास्ते क्रॉस कर जाती है उसमें रुक जाना चाहिए, ये सब बता रहा है। तो दोस्तों ये सीधा आप बहुत ही आसान से सवाल था, इसे आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपना देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हेल्दी हेल्थ हजार्ड, तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ हजार्ड की टाइप नहीं है। एग्जांपल में आपका केमिकल, बायोलॉजिकल, मेजिकल और एक्रोनॉमिक। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि मेजिकल। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ में हमने देखा आज। तो ये था हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कि देखिए मैंने आपको कहा था टेलीग्राम पे, मैंने मैसेज की थी और वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि आपके जो जो ट्रेड है आप मुझे कमेंट करेगा। तो मुझे बस अभी उसमें इलेक्ट्रिकल मिला है, ठीक है, वेल्डिंग मिला है और PCM मिला है। तो मैं ये तीन इलेक्ट्रिकल सबसे पहले मिला, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल के लिए मैं टॉप 250, ठीक है, टॉप 250 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के लिए मैं आपको लाइव क्वेश्चन डालने वाला हूँ। उसमें आपकी हर क्वेश्चन की 30 सेकंड की टाइम रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आपकी देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की तो मैंने लगभग आपकी कंप्लीट करा ही दी है, बस आपका बचा कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो वो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, तो आप किसी और अदर चैनल से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि आपकी पार्ट भी जो ट्रेड वाली एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड और वेल्डिंग ट्रेड और PCM वाले ट्रेड वाले हमें मैसेज आए हैं। तो देखिए हम आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ट्रेड की 250 से 300 की MCQs में आपको लाइव अपलोड करने जा रहा हूं वीडियो, जिसमें मैं आंसर हर 30 सेकंड के बाद आंसर टिक करूंगा और आप देखिएगा कि आप उसमें कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, आपके ट्रेड के क्वेश्चन कितने बन पा रहे हैं। तो इसका मेन मोटो ये रहेगा कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दे पाऊं, आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सबसे पहले रहेगा, उसके बाद PCM वालों के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 250 टॉप क्वेश्चन में यहां पे अपलोड करने वाला हूं, लाइव करने वाला हूं, उसकी सोल्यूशन मैं आपको बाद में दे दूंगा, बट करेक्ट आंसर हर 30 सेकंड के बाद मैं उसको टिक कर दूंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आप बना पाएंगे और ये सेशन लाइव जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें जुड़िएगा, मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।